मिली थी ये राजकुमार जी मैन है अपने एक्शन साहब उनकी कोठी से कुत्ता चोरी करके ले गया और इसको कुत्ते को बंधक बना लिया अपने घर में। मुखबर खास ने हमारे को मुखबरी दी तो हमने वहाँ से इसको कुत्ते को इसको बरामद कर लिया और मोटरसाइकिल जिस पर ये कुत्ते को ले गया था धक्के से। कुत्ता काफी कीमत का बता जा रहा है। 26 जुलाई का मामला है। 23 हाँ जुलाई का। तो कहाँ पर कोठी कहाँ है इनके एक्शन साहब? माल रोड प्रखंडी सड़क पे। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तरह गिरफ्तार कर लिया सबूत लेके अभियान में चलान दिया जाएगा। बेचारा दिन होगा जय कार्रवाई होगी सामने जाएगी। कुत्ता जो गुम हो गया था वह मिल गया है। हम आपको बता दें कि करनाल की थाना सिविल पुलिस ने आखिरकार एक्सीएम साहब जो करनाल के ठंडी से प्रसिद्ध एसपी साहब की कोठी के साथ रहते हैं पीडब्ल्यूडी एंड बीएनआर विभाग के एक्सीएम है राजकुमार ने उनका कुत्ता जो है पुलिस ने ढूंढ लिया है और जो कुत्ता चोरी करके जो शख्स ले गया था उसको भी जो है काबू कर लिया है। जो बसंत बिहार इलाके का रहने वाला है और आप देख सकते हैं कि एक्सीएम साहब का कुत्ता और जिस मोटरसाइकिल पर कुत्ते को बिठाकर चोरी कर दिया गया था उस शख्स को जो है पकड़ लिया गया है। हालांकि हमने मामला लगा के बिठाया था तो काफी सुर्खियों में रहा था ये मामला आम आदमी के लिए लेकिन इसके साथ साथ कुत्ता जो है पुलिस द्वारा ढूंढ लिया गया और आज सीधी तकंडे करनाल के थाना जो है पूरी मिले हुए हैं। खबर अजीब जरूर मिलेगी आपको दिखानी जरूर थी क्योंकि मामला काफी सुर्खियों में था और ठंडी जगह पर माल रोड पर जो रियायती इलाका था जैसा कि पिछले दिनों में आपको खबर दिखाई थी 26 जुलाई का यह मामला था कि एक्सीएम साहब है जो पीडब्ल्यूडी एंड बीएनआर विभाग के राजकुमार है उनका कुत्ता जो है आपको गुम हो गया था। बिल्कुल एक्सीएम साहब जो है हमारे करनाल में उनके साथ वाले कोठी में रहते हैं एक्सीएम साहब उनका कुत्ता अचानक गुम हो गया था और जो कुत्ते को उठाकर ले गया था उसको भी जो है पकड़ लिया गया। तो थाना इसमें सब इंस्पेक्टर इंचार्ज साहब हमारे साथ है राजेंद्र जी उनसे हम जानते हैं तो क्या शिकायत मिली थी कब का मामला था क्या पता रात्रि 10:30 ये उठाकर चोरी की नियत से ले गया। कुत्ता कई बार नीचे पड़ा फिर भी इसने कुत्ता नहीं छोड़ा। मुखबर खास ने हमारे को मुखबरी दी थी मुखबरी पर हम शतान पर पहुँच गए इसके घर से कुत्ता वह मोटरसाइकिल हमने बरामद कर लिया। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? गिरफ्तारी कर लिया। कहाँ पे है एक्शन का नाम क्या था? श्री राजकुमार जी है। कहाँ पे है वो? ये माल रोड प्रखंडी सड़क। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस शख्स द्वारा कुत्ते को उठाकर ले जाएगा तो उससे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कौन लेके जा रहे थे? झाड़ू वाले। अच्छा झाड़ू वाले लेके जा रहे थे। आपने मतलब झूठ बोला कि मेरा कुत्ता है मेरे को देखो। तो आपको पसंद आया था इसलिए कुत्ते का शौक था? तो ये आप देख सकते हैं कि बसंत बिहार के रहने वाले हैं और जो आप देख सकते हैं कि इस समय कुत्ता भी जो है पकड़ा गया है। हालांकि खबर आपको अजीब जरूर होगी इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से लोगों ने बताया था कि आम आदमी की शिकायत नहीं होती जिस तरह से एक्सीएम साहब का कुत्ता और कुत्ता चोर आके पुलिस ने 29 दिन के अंदर ही जो है ढूंढ निकाला है। इस समय लाइव तस्वीरें आप CMCT करनाल के सिविल लाइन थाना से देख रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं एक्सीएम साहब का कुत्ता थाने में मौजूद है जिस मोटरसाइकिल पर कुत्ता चोर मोटरसाइकिल हम भी इसी तरह से अपने
जिस तरह से कुत्ता चोर को पकड़ लिया गया, कुत्ते को बरामद कर दिया गया, मोटरसाइकिल जिस पर ले जाया गया था उसको बरामद कर दिया गया, तो इसी तरह से जो आम आदमी की सुनवाई होती है, आम आदमी के मामले होते हैं, इसी तरह से जल्दबाजी से अगर कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर हर आदमी को जो है इंसाफ मिलेगा। खबर आपको जरूर अजीब लग रही होगी, लेकिन चोर था उसको बरामद कर दिया गया है। सीधी तस्वीरें आप देखे हैं करनाल के पीडब्ल्यूडी बीएनआर विभाग का जो मामला था, उनके एक्सीडेंट साहब थे राजकुमार नैन, उनका कुत्ता जो 26 जुलाई को जो है चोरी हो गया था, जिसके बाद करनाल पुलिस ने उसको आखिरकार बरामद कर दिया है।